नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस शो में जिसका नाम है द प्रकाश ऑटोस। आज हम सबको गाइड करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जितेंद्र पांडे सर। स्वागत है सर आपका इस शो में। ओके, थैंक यू। तो आज के सर हमारे जो यूथ्स हैं उन लोगों में मतलब इतने गंदे तरीके से मतलब फंसे हुए हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि विनोद है ना, जो अभी बहुत ट्रेंड में आई थी, वायरल हो रही है, तो जैसे कि जी देखिए क्या है कि एक तो मैं बहुत बड़ा कड़वा सच आपको बताऊं कि एजुकेशन लाइफ में इवन मैं अपने क्लास में स्टूडेंट्स ये बात हमेशा पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों का एम्बिशन टीचर बनना है। बार बार एक बात बोलते हैं कि आदमी को लाइफ में वही काम करना चाहिए जिसमें उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। जो एजुकेशन सिस्टम लाया था वो हमारे लिए, क्योंकि वो सिर्फ उनको हिंदुस्तान में वर्कर्स चाहिए थे, तो उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी हमने स्किल डेवलप नहीं किया। वो तो अंग्रेज जी ने एक एजुकेशन पॉलिसी पर सलाह दिया था कि बोला था कि बच्चों को ओपन बुक कर दो, दैट मींस उनको एग्जाम लेते समय बुक से दूर मत रहो। जैसा कि आपने जाना है बताया सर। उसके बाद जो सर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मतलब जो सरकार है ना, उन्होंने भी ये क्वेश्चन शायद उठाए थे कि सर जैसे गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप आ रही है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ऐसे चीज है। आज यदि मेरे को हेल्थ का प्रॉब्लम हो तो मैं अपने हेल्थ के लिए बेस्ट हॉस्पिटल खोजूंगा ना। मैं तो ये नहीं देखूंगा कि ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि क्या है।